हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। आपने कल के व्लॉग में देखा था सुबह जो हल्दी की रस्म हुई थी, गणेश पूजा हुई थी, और ये मेरे हाथ में बांधा था पंडित जी ने, क्या बोलते मम्मी इसको, कंगना। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45, जस्ट अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी तक हमने क्या किया, मैंने, गिशी ने और मम्मा ने, जो हमने शगन लगाना है, हमारे में उत्तराखंडी में क्या होता है कि जो बारात आती है उनको सभी को शगन लगता है, तो उसके लिफाफे जो हमें बना के रखने थे वो हमने बना के रखे हैं। अभी तक टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सब कुछ करने का, तो वो सारी चीज़ में मम्मा ने और गिशी ने मेरी बहुत हेल्प की। और शालिनी भी आ गई है अभी, और वो मेकअप करने वाली है मेरा, बड़ी दीदी का और आरती का। तो अभी बड़ी दीदी को उनके पास भेज दिया, उनका मेकअप हो रहा है वहाँ पे, और घर के फिलहाल के जो काम वाम है हम लोग वो निपटा रहे हैं, जो भी सामान करना है, जो भी चीज़ें करनी है। तो बहुत भागम भाग है, बहुत दौड़ा दौड़ा है, तो बीच में इनका ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। जो भी जैसा जैसे होता रहेगा आप तो थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि खुद मेन लीड में हूँ, तो जितना शूट हो पाया उतना करूँगी। पैलेस में जो हमने सामान लेके जाना है उसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयारी सारी कर दी है अभी पंडित जी ने। सबसे क्यूट ये है, समझी समधन, ये देखो जो हमारे उत्तराखंडी कल्चर में बनाए जाते हैं, ये तो इधर ही रहेंगे, इसमें दिया जलाया जाएगा, ये हमारे सवाल पथाई जो हुई है। बहन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बहन जी के भाई जी आ चुके हैं, बड़े मामा जी की एंट्री हो गई है। मामा श्री, व्लॉग में एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी बिटिया के घर में। कैसा लगा घर में, आप फर्स्ट टाइम आए हो, घर कैसा, सही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मम्मी और देवर जी अभी जा रहे हैं घर और मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। टेंटेंट, पूरा बेड भर दिया मेकअप के प्रोडक्ट से, और यहाँ पर रिंग लाइट भी हमारी लगी हुई है। दीदू तैयार हो रहे हैं, अभी जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, हेयर स्टाइल बन रहा है अभी। तो वैसे मेरा बहुत ज्यादा मन था आरती की शादी में कोई प्यारी सी ड्रेस पहनने का, लेकिन मुझे पिछोड़ वेयर करना है क्योंकि कन्यादान करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ लहंगा या साड़ी पहननी थी और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, तो मैंने ब्लाउज पहन लिया। अभी लहंगे का ये भी मेरे लिए खुला सा ही हो रहा है फिलहाल तो, और अभी मेरा होगा मेकअप शुरू। ये है दीदी की फुल लुक, एक बार घूम के दिखा दो, कितना प्यारा हेयर स्टाइल बना है। अभी चुन्नी पिनअप करनी है पर आएगी कुछ इसी स्टाइल में। एंटरटेनमेंट फाइनली, अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। आप हो गए पहले भी येलो येलो, अब भी येलो येलो। रुको फुल लुक दिखाती हूँ आपको। आज गुरुवार है तो मेरा मन था कि मैं कुछ येलो टच में रखूँ, तो येलो इसका ब्लाउज है, बनारसी है लहंगा ये, और गुलाबी 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 शरारा। मम्मा यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि आरती चल, और यहाँ पर अभी आरती तैयार हो रही है, जब प्रॉपर तैयार हो जाएगी तो आपको फुल लुक दिखाऊंगी आरती का। रात के 9 बज गए हैं, अभी घर के सभी सदस्य पहुंच चुके हैं पैलेस में, मैं, मम्मा, मेरी सासू माँ जोशी जी अभी जा रहे हैं हम लोग, और आरती को बाद में आएंगे लेने के लिए, तो लॉक कर देते हैं। पेंट्री हुई है मेरी सासू माँ जी की, यहाँ पेंट्री हुई है लवी की, सब सुंदर सुंदर बन के घूम रहे हैं। एंट्री होते ही भूपी जी यहाँ पे मिल गई हैं। वैसे दरवाजे पे तो भैया मिले थे सबसे पहले, यहाँ पे तीन तीन ब्लॉगर इकट्ठे हो रखे हैं, ये ब्लॉग वो ब्लॉग ये मैडम साइड से बताओ, ये मैडम जी का है आज व्रत, और हम अच्छे से खाने वाले हैं क्योंकि हमने अपने फंक्शन में तो खाया नहीं था चौमिन। मैंने इनके फंक्शन में भी नहीं खाया, आपने भी खा लिया, मैंने ना सब कुछ पाव भाजी है वो भी मैं खा के आई नहीं हूँ अभी, मैंने टिक्की भी है, मैंने लेंस मंगवाए हुए हैं बट मैं लगाना भूल गई, इनके देख के आ रहा है, मैंने लगाए हैं, मैं घर जाके लगाऊंगी। लवी के पापा हमारे सिंगर सर, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं कमला। पल्लवी मैम की एंट्री भी हो चुकी है, ये भी स्पेशल पार्लर से तैयार होके आई है, पूछो दिखाओ। इसको मैं कब से बोल रही हूँ खा ले खा ले, खा कुछ रही नहीं है, मेरे को चल आ जा तो दिखाते खाने में है क्या क्या, अपनी आंखों से आपको भी दिखाते हैं। पहले कॉफी, चावल, वाइट चने, दाल मखनी, पूड़ी, नान और मिस्सी रोटी, नेक्स्ट मिक्स वेज, मटर पनीर। चलो 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 आगे बढ़ते रहो। ये कौन है? मैं आ चुकी हूँ, बस यही करेंगे हम।
खाना सही है। दही भल्ले, टिक्की, चीला, पाव भाजी, चौमीन। ये देखो सुंदर चेहरे। चौमीन, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। फिर यही आ गए हम घूम फिर के। हमने चक्कर काट लिया धरती का। इसको डिप किया पूरा दाल में और साथ में पनीर दिया। कल वाग नो ना पीड़ा करा ली। इतना यम्मी है, जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं जिंदगी में। ऐसे बुला रहे हैं लोग मुझे। आज तो नहीं खाया ना मिलेगा। मैं पैक करा के रखूंगी, कल सुबह खाऊंगी। आरती को विदा करने के बाद आराम से। माय मोमेंट, हमने ग्लोबंद उल्टा रहना था। कल मैनू एक कुड़ी मिली विच गल्ला विच चिट्टोए मोए मोए। जिदी गल्ला दे चिट्टोए नहीं आंदा, जबरदस्ती राणा हुंदा फिर भी है ना। तो अब इस बट गाइस डू कवर मी, कैसी लग रही है? प्यारी परी तो लग रही है आज। मुझे सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका मेकअप मेरी बारात रात को 12:30 बजे आई थी। 12:30 बजे मैं 1 बजे आई थी। मम्मी को देख लो, मम्मी को बुरा सा लग रहा है। कहते हैं कि अगर औलाद भूखी हो ना तो माँ के पेट में कुछ पानी निकाल के गोलगप्पे मार के उसे दिखा हो रही है। तो यहाँ पर ये हॉल है बहुत बड़ा, एक लड़की वालों के लिए, एक लड़के वालों के लिए। हो गई नैनी वालों की मुलाकात। ये मिल गए नैनी वाले। वो हमारे सगे चाचा है। हम रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी है हमारी? मम्मी मेरी क्या लगती है बताना जरा। अभी रिश्ता अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी बातचीत चल रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी क्या रिश्तेदारी है। फाइनली पता लग चुका है, ये मेरी बहन है। रिबन के टाइम में तू क्या कर रही है बेटा? पैसे नहीं मिल रहे हैं, इधर आके खड़ी होगी। निकलो यहाँ से। ये देखो घरे थी बरातियों में ऐड हो गए महाराज जी जाके।
गए हो। अभी तो एडिट होगा, कौन आएगा कौन नहीं पता। दीदी के सर आ गए हैं।
जमाई जी की आरती उतारी जा रही है। आज से हमारे ऑफिशियल जमाई जी बन जाएंगे। जय हो। आरती की अलग ही फीलिंग है। सब पैक होके आए हैं गाड़ी में, मेरे ही हमारी दुल्हन छोड़ दिया चुका है। भाइयों निकलो बाहर, सारे कैमरामैन तैनात है। ये रही हमारी दुल्हनिया। निकल गए निकल गए निकल गए। छोड़ के साथ एंट्री होगी। एन चली जाएगी, बहुत याद आएगी। तो दोस्तों होने वाली है ब्राइडल एंट्री, गाना चल चुका है, दिन शगना था चढ़िया और यहाँ पर कैमरा चालू है ब्लॉगर साहब का। तीन तीन ब्लॉगर गई है गले की बहुत बुरे तरीके से। अब यहाँ पे डिनर चल रहा है, सब दूल्हा दुल्हन विद फैमिली खाना खा रहे हैं पीछे बैठे। यहाँ पे मेरा ससुराल पक्ष सब बैठे हुए हैं। मम्मा का भी फास्ट है लेकिन वो गाजर का हलवा खा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि खा सकते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कर नहीं, एक ही दिन कन्यादान करना है तो सही से करेंगे, अच्छे से करेंगे। वरमाला के बाद दूल्हा दुल्हन ने कर लिया डिनर। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। देवर जी जला रहे हैं गाड़ी। यहाँ पर बैठी हुई सासुमा जी, यहाँ पर बैठी हुई शीलू जी। मैं भी आरती को मैं लेके आया था उस गाड़ी। और हमारी गाड़ी बुक आ गए। अभी हम सामने देख सकते हो आप, मंडप भी बन चुका है। घर में ही फेरे होंगे, यहीं से विदा करेंगे आरती को।
आगे टाइम हो रहा है अभी सुबह के 4:45 और अभी कन्यादान की रस्म बहुत बढ़िया तरीके से हो चुकी है। वर और वधु को आशीर्वाद देके उनके पांव धो के हम आ गए हैं अंदर, क्योंकि पंडित जी ने कहा कि जो कन्यादान करते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं। तो मैं, जोशी जी और मम्मा भी अंदर आ गए हैं। फीलिंग तो आ रही है मुझे, पूरी इमोशनल सी आ रही है, लेकिन मुझे रोना नहीं है बिल्कुल भी। उसका एक रीज़न तो ये है कि मेकअप वाला लुक ख़राब हो जाएगा। वैसे ये लुक भी इतना मैटर नहीं करता, ख़राब तो वैसे आधा हो ही चुका है, लेकिन आरती के सामने रोना नहीं है। मैंने बेट भी लगा रखी है, अगर मैं ना रोई तो मुझे सोने की अंगूठी मिलेगी। अब देखते हैं मैं विन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और आरती अपना वादा निभाएगी या नहीं निभाएगी। अभी गर्म गर्म चाय यहाँ पर आ चुकी है, तो चाय पीते हैं और जब हमें फिर बाहर बुलाएंगे तब चले जाएंगे। फ़ोन मेरा भी ऑफ हो गया था। जो भी व्लॉग शूट हुआ है वो मेरे बगल में देवर जी रहते हैं अंकित, उन्होंने किया है शूट, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठी हुई थी और कोई था नहीं जो मेरा व्लॉग शूट करता, तो उन्होंने बहुत मदद की। थैंक यू सो मच अंकित देवर जी। और वो मेरा फ़ोन चार्ज पे भी लगा के गए क्योंकि ऑफ हो गया था ये। अभी इसमें 20% बैटरी है, तो मैंने कहा एक क्लिप छोटी सी शूट कर लेती हूँ। अभी फ़ोन को दोबारा मैं लगाने लगी हूँ चार्ज पे। देवर जी हो रहे हैं तैयार बहन के साथ जाने के लिए, आरती के ससुराल जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। दोनों से ला लेंगे, गोंदा को देता हूँ ना। चार पांच भाई जा रहे हैं ना।
डिजिटल और सामान तो नहीं, कोई ऐसा छोटा वोटा नहीं। मेरा पर्स देख लो तो गाड़ी में पर्स होगा तो पर्स दे दियो मेरे को, बुला नहीं रखा है। बहन जा रही है, रो मनीष, रो क्यों नहीं रहा, रो भाई, कोई नहीं, रो भाई, दिन में पत्थर रख लिया। आरती की विदाई हो चुकी है अभी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। मैं सच में विदाई में बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन जब आरती को विदा करने के बाद घर के अंदर आई तो फिर उस समय थोड़ा सा हो गया था। मम्मा बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो उनको चुप कराते कराते उस समय थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन बस ये है कि जोड़ी खुश रहे आगे, उनका जीवन बहुत अच्छा रहे, बच्चे खुश तो हम खुश, और उनकी दोनों की आपस में बढ़िया बनती है, ये देख के हमें अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और अभी पंडित जी ने बोला कि मुँह हाथ धो लो, तो मुँह हाथ धो लिया है मम्मा ने, मैंने और जोशी जी ने। अभी जो हमारे बांधा था कंगना, ये खुलेगा, पूजा हो रही है, बाहर जा रही हूँ एक बार फिर से। दो तीन दिन से पूजा ही पूजा चल रही है लगातार। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी पूजा संपन्न हो चुकी है। जो भी विधि विधान था, पंडित जी ने हमारा फास्ट भी ओपन करवा दिया है, और जो हमारे बांधा हुआ था क्या था हमें कंगना ना, वो भी खोल दिया है। और गीशी भाई साहब तो सो चुके, मम्मा भी सो गए थे, तो भी रिलेटिव्स हमारे होता ना कि अब बस लड़की विदा हो गई तो जाना शुरू, तो अब रिश्तेदारों की पहले आने की खुशी थी, अब सब जा रहे थे, तो उनको विदा करने में लगे हों जोशी जी और मैं। तो मम्मी को अभी सोते सोते उठाया, क्योंकि जब हम साड़ियाँ वगैरह हम लेके आए हैं वो रिलेटिव्स को जाते हुए देने के लिए ही लेकर आए थे खरीद के, तो अब साड़ियाँ वगैरह दी जा रही हैं, वो इधर अंदर ही बेड में रखी हुई हैं। सो जाओ मम्मी बाप, अभी थोड़ी जिम्मेवारी है वो निभाते हैं, उसका बेहोशों वाली नींद आ रही है। पता नहीं अब मैं ब्लॉग कैसे एडिट करूँगी जो आज शाम को आना है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।